हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट। जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ। अभी करंटली नाउन एंड द नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके ऊपर मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने शुरू की 5 वीडियो नहीं देखी है, वो चाहे तो देख सकता है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मेरी जो ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज है, इसमें आपको लाइन वाइज, पॉइंट वाइज आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हम कोई भी लाइन छोड़ेंगे नहीं, हर लाइन को कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउन एंड द नंबर में अभी तक हम 32 रूल्स कवर कर चुके हैं, बाकी के रूल्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज आप इस वीडियो के थ्रू गेन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल जीके एजुकॉट चैनल, जो कि मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनसे रिगार्डिंग इसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। आप चाहे तो इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, करंट अफेयर टॉपिक्स और करंट अफेयर्स पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का चैप्टर, नाउन एंड द नंबर। जिसमें फर्स्ट आ जाता है रूल नंबर 33। इसमें एक ये फॉर्मेट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कार्डिनल एडजेक्टिव्स प्लस प्लूरल नाउन। इसका क्या मतलब है? कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जितने भी ये काउंटिंग नंबर्स हैं, उनको कार्डिनल एडजेक्टिव्स बोला जाता है। इसके अलावा ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि लिटल, मच, मोर, सम। दोनों में क्या डिफरेंस है? कार्डिनल एडजेक्टिव जो है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं क्वांटिटी के बारे में। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती क्वांटिटी के बारे में, या डेफिनेट अमाउंट इसमें नहीं मिलती। वैसे ही एक मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है डबल, ट्रिपल, इस तरह के वर्ड्स अगर यूज करते हैं तो आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स में। तो फिलहाल इधर आ जाइए, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, तो कार्डिनल एडजेक्टिव जब भी आएगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्लूरल नाउन, जैसे कि 5 किलोमीटर्स। वैसे ही दो और एग्जाम्पल है, जैसे 50 रुपीज, 50 के साथ क्या लगेगा? रुपीज, ना कि रुपी। वैसे ही 3 फिट, 3 फिट का यूज किया जाएगा, फिट क्या प्लूरल फॉर्म में, और 3 फुट, फुट क्या सिंगुलर फॉर्म होता है, तो 3 फिट का यूज करेंगे, ना कि 3 फुट का, यानी प्लूरल फॉर्म का यूज किया जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें लिखा ए प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन। यानी कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ हाइफन को जोड़ा जाता है, और हाइफन के बाद जो वर्ड यूज होगा वो रहेगा सिंगुलर नाउन, जैसे कि 5 मैन, 6 बॉयज, 3 गर्ल। प्लूरल नाउन का यूज कब होगा? जब इनके बीच में हाइफन, इस सिंबल का यूज नहीं होगा। और इनसे पहले क्या लगा होगा? ए। अगर ए लगा है तो फिर इसके बाद आएगा सिंगुलर नाउन। तो ये पूरा फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव, उसके बाद हाइफन, उसके बाद सिंगुलर नाउन, ये एक वर्ड बनेगा। उसके बाद अगर पहले ए लगा होगा तो उसके बाद क्या लगेगा? सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल समझिए, ए 5 मैन कमेटी, तो इसमें 5 मैन क्या है? एक वर्ड है, इससे पहले ए लगा है, इसलिए इसके बाद किसका यूज होगा? सिंगुलर नाउन का। ये आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपीज नोट, दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे रुपी का यूज किया है, यहाँ पे रुपीज का, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? सिंगुलर नाउन का, क्योंकि हाइफन के बाद क्या लगेगा? सिंगुलर नाउन। 5 ईयर प्लान, ए 5 ईयर प्लान और ए 5 ईयर्स प्लान, तो यहाँ पे भी किसका यूज होगा? सिंगुलर नाउन का। नेक्स्ट है ए 50 फुट टेप, और सेकंड है ए 50 फीट टेप, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? 50 फुट का, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, हाइपन के बाद क्या यूज होगा? सिंगुलर नाउन। वैसे ए 50 ईयर और ए द 5 मैन सब कमेटी, तो यहाँ पे 5 मैन है और 5 मैन से पहले द का यूज हुआ है, द का यूज कीजिए, या फिर ए का, या फिर कोई भी आर्टिकल का यूज करिए, उसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। ये आप समझ गए होंगे। अभी आगे चलते हैं, 33 का जो रूल नंबर फर्स्ट था, उसमें बताया गया था जब पहले कार्डिनल एडजेक्टिव से पहले ए का यूज होता है, तो हम
कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, और उसके बाद भी जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन ही रहेगा। लेकिन इसमें लिटिल बिट डिफरेंस ये है कि बीच का फॉर्मेट तो सेम रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हाइफन लगेगा, हाइफन के बाद सिंगुलर नाउन का यूज होगा। तो ये तो हो गया एक वर्ड। अगर इनसे पहले आपको कार्डिनल एडजेक्टिव मिलता है, कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब 1 2 3 4 5 6 कोई नंबर मिलता है, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, प्लूरल नाउन। क्या जोड़ेंगे, प्लूरल नाउन। वही यहां पर बताया गया कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन, तो इस फॉर्मेट में हम सेंटेंस के अंदर यूज करेंगे। एग्जाम्पल है 5 2 रूम फ्लैट्स। तो 2 रूम क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन, यानी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। और उससे पहले किसका यूज हुआ है, कार्डिनल एडजेक्टिव का, तो बाद में किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का। अगर यहाँ पे ए लगा होता फिर हम यहाँ पे फ्लैट यूज करते, यानी सिंगुलर नाउन का। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। वैसे 10 5 रुपी नोट्स, तो 5 रुपीज के 10 नोट्स, इसका मीनिंग है 5 रुपी के 10 नोट्स। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे नोट्स का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ए लगा होता तब हम यहाँ पे क्या यूज करते, नोट का यूज करते। अब यहाँ पर वाक्य को देखिए और समझिए। फर्स्ट है आई हैव 5 20 रुपी नोट्स, सेकेंड है आई हैव 5 20 रुपीज नोट्स, थर्ड है आई हैव 5 20 रुपीज नोट। हमने फॉर्मेट क्या पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव है, तो लास्ट में क्या आएगा, नोट्स। तो फर्स्ट ये, और सेकंड क्या था, 20 के साथ किसका यूज होगा, हाइफन। 20 के साथ क्या लगा, हाइफन, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड में क्या गलती की हुई है, यहाँ पे रुपीज लगाया है जबकि यहाँ पे रुपी आएगा, और लास्ट में क्या गलती है, यहाँ पे नोट्स आएगा ना कि नोट आएगा, क्योंकि क्या लगाया, 5। वैसे सेकंड है ही हैज 10 500 रुपी नोट्स, सेकंड है ही हैज 10 500 रुपीज नोट्स, और थर्ड है ही हैज 10 500 रुपी नोट। तो क्या आएगा, 5 5 के बाद कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा। और वही यहां पर बताया है कि नोट और नोट से पहले अगर सिंगुलर नाउन रुपी का प्रयोग करते हैं तो इनके बाद जो है सिंगुलर नाउन का यूज होगा। जैसे 100 रुपी, ये तो एक शब्द हो गया, उससे पहले किसका यूज हुआ, ए वन का यूज हुआ है, इसलिए बाद में नोट्स का यूज नहीं होगा बल्कि सिंगुलर नाउन यानी कि नोट का यूज होगा। वैसे नेक्स्ट है आई हैव 500 रुपीज, तो 500 ये एक शब्द को बताते हैं, 500, इसलिए इसके बाद क्या आएगा, रुपीज। 500 क्या है, एक कार्डिनल एडजेक्टिव है, 500 तो एक नंबर है ना, तो 500 क्या है, एक एडजेक्टिव है, 500 तो एक एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके बाद किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का यानी रुपीज का, जो कि 33 के स्टार्टिंग रूल में हमने बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 34। रूल नंबर 34 क्या बोलता है, नॉर्मली प्रॉपर नाउन जो होता है उसके साथ प्लूरल का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन बोला जाता है, यानी कोई शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का एग्जैक्ट बोध कराता है। जैसे कि किसी का नाम है राम श्याम, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ हम प्लूरल नहीं लगाते, किसी का नाम उसके साथ हम एस नहीं जोड़ते। लेकिन कई बार जो है कुछ ऐसे कंडीशन पड़ जाती है जहां पर एस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, मेरी कक्षा में मोहन नाम के 2 लड़के हैं, तो यहाँ पे दो मोहन के बारे में बताया है, इसलिए यहाँ पे फिर हम एस जोड़ेंगे, देयर आर 2 मोहन्स इन माई क्लास, और सेकेंड है देयर आर 2 मोहन इन माई क्लास। तो 2 मोहन और 2 मोहन्स, तो किसका यूज होगा, 2 मोहन्स का। वैसे सेकेंड सेंटेंस है कि तुम्हारी क्लास में डोली नाम की 5 लड़कियां हैं, तो फर्स्ट क्या बनेगा, देयर वर 5 डोलीज इन योर क्लास, और सेकंड क्या बनेगा, देयर वर 5 डोलीज इन योर क्लास। तो ये एक नाम है, डोली क्या नाम है, और नाम को हम ये नहीं जोड़ते, जैसे सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो वाई को हटा के क्या लगा देते हैं, आई एस। किसी के नाम को अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें आई एस नहीं जोड़ा जाता, सिंपल एस लगाया जाता है, किसी प्रोपर नाउन में ये काम नहीं करते। तो 5 डोलीज आएगा ना कि 5 डोलीज। वही यहाँ पर बताया है, नोट्स में दिया है कि अगर प्रोपर नाउन के लास्ट में वाई है तो वाई से पहले कंसोनेंट है, तो फिर उसमें हम एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे मैरी का बनेगा मैरिज, यानी एस जोड़ेंगे, डोली का बनेगा डोलीज। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 35, जिसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम यूज होते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, यानी एकवचन में भी और बहुवचन में, दोनों में सेम वर्ड्स यूज होंगे। जैसे बैरक्स है, बैरक्स यूज होगा, कॉप्स यूज होगा,
क्रॉसरोड्स, इनिंग्स, हेडक्वार्टर्स, प्रेसिज, सीरीज, स्पेसिज, इशू, ऑफ स्प्रिंग, एयरक्राफ्ट यूज होगा। कभी एयरक्राफ्ट का यूज नहीं होता, चाहे आप उसको एक वचन में यूज करो या फिर बहुवचन में। एयरक्राफ्ट की तरह क्राफ्ट का भी सिंगल यूज होता है, वैसे स्वाइन का भी सिंगुलर और प्लूरल में भी सेम यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ द गोरखपुर आर ओल्ड, सेकेंड है ऑल द पुलिस बैरक ऑफ द गोरखपुर इज ओल्ड। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पुलिस बैरक्स है, सेकेंड में पुलिस बैरक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि बैरक्स का हमेशा सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होगा, ना कि बैरक का। वैसे ही आई हैव टू इश्यू एंड सेकेंड है आई हैव टू इश्यूज, पहले है टू इश्यू और सेकेंड है टू इश्यूज। तो ऊपर क्या पढ़ कर आए हम, इश्यू का सेम यूज होगा, ना कि इश्यू के साथ हम एस लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट दिया गया है जिसमें इश्यू के बारे में कुछ कंडीशन बताई है कि इश्यू का हमेशा इश्यू के रूप में यूज नहीं करेंगे। एट इश्यू का यूज कब होगा, एट इश्यू का यूज होगा डिबेट में। इश्यू ऑफ फैक्ट का यूज होगा जब सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन हो, यानी कि वाद के विषय के रूप में अगर हम इश्यू को यूज करते हैं तब हम लिखेंगे इश्यू ऑफ फैक्ट। इश्यू ऑफ लॉ का यूज कब होगा, लीगल डिस्कशन में, यानी कानूनी बहस में जब हम इश्यू का यूज करते हैं तो उसमें लिखा जाता है इश्यू ऑफ लॉ। जब इश्यू का प्रयोग जो है मुद्दा या फिर वाद विवाद में यूज करते हैं तब इसको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, तब हम इसको साथ एस लगाते हैं। ऊपर जो हम रूल पढ़ के आए या उसके अनुसार इशू प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम यूज होंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगर हम इश्यू का यूज करते हैं किसी मुद्दे में या फिर वाद विवाद में तब हम इश्यू के साथ एस लगा सकते हैं। सिर्फ इस कंडीशन में इश्यू को हम प्लूरल एस लगा के बनाएंगे। जैसे कि बिहार के विपक्ष के पास दो मुद्दे हैं, बाढ़ और शिक्षा। द अपोजिशन हैव टू इश्यूज, फ्लड एंड एजुकेशन इन बिहार। तो यहाँ पर मुद्दों को लेकर बात हुई है, तो इश्यू को हम एज ए इश्यूज यूज करेंगे। आगे दोस्तों रूल नंबर 36 में कुछ समुद्री मछलियों के नाम दिए गए हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे, जैसे फर्स्ट है कार्प। कार्प का मतलब होता है मीठे पानी की एक मछली, तो यहाँ मछली का नाम है। और कार्प को ही वर्ब बनाया जाता है जिसका मीनिंग होता है सिद्ध, खोजना या फिर दोष निकालना। तो कार्प के यहाँ पे दो मीनिंग है, जब नाम के रूप में यूज करते हैं तो मीठे पानी की एक मछली के रूप में उसका यूज किया जाता है, और कार्प को जब वर्ब की फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तब उसका मीनिंग होता है दोष निकालना या फिर छिद्र खोजना। नेक्स्ट है पाइक। पाइक का नाउन के रूप में यूज करते हैं तो एक प्रकार की मछली का नाम है, जब हम वर्ब के रूप में पाइक का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है घुसाना या फिर भोंकना। नेक्स्ट है सैलमोन। सैलमोन को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं, फर्स्ट है चांदी के समान खाल और सेकेंड है नारंगी रंग की मछली। तो ये दो मीनिंग सैलमोन को जब हम एज ए नाउन यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्राउट। ट्राउट को जब नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है नदी में एक प्रकार की मछली, ये भी एक मछली का नाम है, लेकिन ट्राउट को जब हम वर्ब की फॉर्म में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग निकलता है मछली फंसाना। नेक्स्ट है कोड। जब हम इसको एज ए नाउन यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है समुद्री मछली। नेक्स्ट है प्लाइस, जिसका मीनिंग होता है एक प्रकार की समुद्री मछली। तो ये मछलियों के कुछ नाम है। नेक्स्ट है स्क्वाइड, टर्बोट और मैकरल, ये सब क्या है, एक प्रकार की मछली है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है। और ऊपर कुछ वर्ड्स, कुछ मछलियों के नाम ऐसे थे जिनका मीनिंग दूसरा भी रहता है, तो इनको एक बार और पढ़िए, समझिए और याद करने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 37। रूल नंबर 37 क्या बोलता है, जब प्रोपोजिशन से पहले किसी नाउन का यूज होता है, किसी प्रोपोजिशन से पहले नाउन का यूज होता है और सेम नाउन का यूज उस प्रोपोजिशन के बाद होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर पहले सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, अगर प्रोपोजिशन से पहले, प्रीपोजिशन से पहले सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है तो बाद में भी सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मैन आफ्टर मैन, और इसका सेम है मेन आफ्टर मेन, तो ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल, तो किसका यूज करेंगे, सिंगुलर का। नेक्स्ट है रो अपॉन रो, तो यहाँ पे भी सिंगुलर का यूज करेंगे, रोज अपॉन रो का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है डे आफ्टर डे, तो डे आफ्टर डे में हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, डेज आफ्टर डेज यानी प्लूरल नाउन का यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम डोर टू डोर और फ्रॉम डोर्स टू डोर, यानी सिंगुलर नाउन का यूज होगा ना कि प्लूरल नाउन का। इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, फर्स्ट है विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन स्वेप्ट अवे। विलेजेज आफ्टर विलेजेज हैज बीन स्वेप्ट अवे, क्या रूल था कि हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे प्रोपोजिशन से पहले और बाद में। नेक्स्ट है सिटी आफ्टर सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड, और इसका सेम है सिटीज आफ्टर सिटीज हैज बीन हैव बीन डिस्ट्रॉयड, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, सिटी आफ्टर सिटी का, यानी सिंगुलर नाउन का। उसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। नेक्स्ट है शिप आफ्टर शिप आर सेलिंग बाय, तो क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ये इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा ना कि प्लूरल वर्ब का।
वैसे ही नेक्स्ट है वन आवर आफ्टर अनदर आवर इज पासिंग अवे, तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे ना कि आर का। नेक्स्ट है रो अपॉन रो ऑफ डेलिकेट ग्रीन इज डेडिकेटिंग इज शूटिंग टू द आइज, तो यहाँ पे इज का यूज होगा किसके साथ, इस फॉर्मेट के साथ ना कि आर का। नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 38, इसमें क्या बताया है, इसमें भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो ऑफ के साथ जुड़े हुए हैं और इनके बाद जो नाउन का यूज होगा वो नाउन क्या रहेगा, प्लूरल नाउन क्या रहेगा, प्लूरल नाउन, यानी एक प्लूरल नाउन में से सर्टेन अमाउंट को बताएंगे। ये कौन से वर्ड्स है, वन ऑफ, इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एनी एवरी वन ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, मैनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एक्सेट्रा। ये प्लूरल नंबर जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, जैसे जैसे वन ऑफ द बॉयज वाज इनोसेंट एंड वन ऑफ द बॉय वाज इनोसेंट, तो हमने क्या कहा था वन ऑफ द के बाद वन ऑफ के बाद किसका यूज होगा, प्लूरल फॉर्म का यानी बॉयज का ना कि बॉय का। नेक्स्ट है आइदर ऑफ द गर्ल्स इज साई एंड आइदर ऑफ द गर्ल इज साई, तो यहाँ पे आइदर ऑफ के बाद किसका यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म का गर्ल्स का ना कि गर्ल का। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 39, जिसमें बताया गया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ एस या ई एस जोड़कर हम उसको प्लूरल बना देते हैं, तो ये कौन से एडजेक्टिव है इनको चेक करते हैं और प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे बीटर है, बीटर के साथ एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं बीटर्स, स्वीट का स्वीट्स, एसेंशियल का एसेंशियल्स, पार्टिकुलर का पार्टिकुलर्स, वैल्यूएबल का वैल्यूएबल्स, मूवेबल का मूवेबल्स। इनके साथ आप इनके हिंदी भी याद रखिए, हिंदी भी पढ़ने की कोशिश करिए, तो ये वर्ड्स आपको और अच्छे से याद होंगे। नेक्स्ट है नेसेसरी नेसेसरीज ब्रेकेबल ब्रेकेबल्स डिसएग्रीएबल डिसएग्रीएबल्स एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव्स गुड गुड्स ड्यू ड्यूज ओड ओड्स बायगोन बायगोन्स। तो कुछ एडजेक्टिव्स थे जिनके साथ हम एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नाउन बना सकते हैं, और इनसे जुड़े वाक्य हैं जैसे कि स्वीट्स और बीटर्स, इसमें एस लगाया हुआ है प्लूरल नाउन बनाने के लिए। वैसे ही वैल्यूएबल्स ड्यूज एसेंशियल्स, इनको प्लूरल नाउन के रूप में यूज किया हुआ है इन वाक्यों के अंदर, इनको पढ़िए और समझिए। आगे चलते हैं दोस्तों रूल नंबर 40 आ जाता है। इस रूल में बताया गया है कि जब दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हो, किसके साथ, एंड के साथ जुड़े हो, और दोनों एडजेक्टिव में से जो फर्स्ट एडजेक्टिव है, जो पहला एडजेक्टिव है, जो फर्स्ट एडजेक्टिव है उसके साथ द का प्रयोग किया गया है, द का यूज किया है, तो हम उसके बाद जो नाउन यूज करेंगे वो कौन सा होगा, प्लूरल नाउन। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर एस एस प्रसाद वाज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज, इसको समझिए दो एडजेक्टिव है पटना एंड बिहार, ये किसके साथ जुड़े हैं, एंड के साथ, और फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ किसका यूज हुआ है, द का। तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले द का यूज करते हैं तो इसके बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल नाउन का यूज होगा। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी, तो 16th एंड 17th क्या है, एडजेक्टिव है, इनसे पहले द का यूज हुआ है तो बाद में किसका यूज होगा, सेंचुरी यानी प्लूरल नाउन का ना कि सिंगुलर नाउन का। तो उपरोक्त वाक्य में एडजेक्टिव कौन से है, पटना एंड बिहार, और सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था, 16th एंड 17th। नेक्स्ट सेम रूल है 40 के जैसा रूल है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हैं और दोनों के साथ द का यूज हुआ है, दोनों के साथ द का यूज हुआ है उसके बाद हम लगाएंगे सिंगुलर नाउन, दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट फर्स्ट क्या था, दो एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हैं और फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले द का यूज हो जाता है तो हम बाद में यूज करेंगे प्लूरल नाउन का। अगर दोनों एडजेक्टिव किसके साथ जुड़े, एंड के साथ, और दोनों के साथ ही द लगा है, दोनों के साथ ही द लगा है, तब हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का। जैसे एग्जाम्पल है वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी केम टू अवर कॉलेज, तो पटना और मगध जो एडजेक्टिव है एंड के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ द का यूज हुआ है इसलिए इनके साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर नाउन यानी यूनिवर्सिटी का। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, एडजेक्टिव है, और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है, द का यूज हुआ है, और दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से, तो इनके बाद क्या लगेगा, चैप्टर यानी कि सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट है रूल नंबर 42, जिसमें बताया है कि सामान्य रूप से चार वर्ड्स है, कौन से, ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है ईटे, स्टोन, स्टोन मतलब होता है पत्थर, वुड, वुड मैंने होती है लकड़ी, और ग्लास मैंने होता है शीशा। तो ये चार वर्ड्स जो है
इनको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है? अनकाउंटेबल नाउन, यानी कोई फिक्स अमाउंट सर्टेन अमाउंट की तरफ रेफर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल है, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या फिर वुड, तो एक घर जो है वो लकड़ी का या फिर ईंटों का बना है, ईंट का बना है या फिर लकड़ी का बना है, तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? सिंगल ब्रिक या वुड का, इनके साथ हम एस नहीं लगाएंगे। वैसे ना, वैसे नेक्स्ट है योर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन या फिर ग्लास, तो किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन का, ना कि प्लूरल का। और ना इनसे पहले हम ए एन दा लगा सकते हैं, इन चारों वर्ड से पहले हम ए एन और दा का भी यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 43, जिसमें बताया है कि जब किसी पशु पक्षी का नाम हंटिंग के रूप में होता है, शिकार के रूप में यूज होता है, तब हम उसको एज ए सिंगुलर यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन यह है कि इनके साथ ए एन और दा का प्रयोग भी नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है, ही वेंट टू हंट एलिफेंट, ही वेंट टू हंट एलिफेंट्स, और थर्ड है ही वेंट टू हंट एन एलिफेंट। तो एलिफेंट को हमने शिकार के रूप में यूज किया है, इसलिए इसको सिंगुलर यूज करेंगे, ना इसके साथ एस लगाएंगे और ना ही एन का यूज करेंगे। वैसे ही योर एल्डर ब्रदर वॉन्टेड टू शूट वाइल्ड डक, नेक्स्ट है योर एल्डर ब्रदर वॉन्टेड टू शूट वाइल्ड डक्स, नेक्स्ट है योर एल्डर ब्रदर वॉन्टेड टू शूट ए वाइल्ड डक। इसमें एस का यूज हुआ है और इसमें ए का यूज हुआ है, जबकि इन दोनों का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट क्या रहेगा? डक, यानी सिंगल सिंगुलर के रूप में डक का यूज किया जाएगा, जो कि एक पक्षी का नाम है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 44, जब भी प्लूरल बनाए जाते हैं, जब भी एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं, उनके लिए किन शब्दों का यूज होता है? जो कि नाउन और प्रोनाउन है, यानी संज्ञा और सर्वनाम है, इनका यूज बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो कि ना तो नाउन है और ना ही प्रोनाउन, फिर भी हम उनको प्लूरल बना सकते हैं। वो कौन से है? जैसे कि इफ है, सेल है, बट है, विल है। ये क्या है? ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? एस, तो बन जाएगा प्लूरल, इफ्स, सेल्स, बट्स, विल्स। जैसे एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक योर इफ्स एंड बट्स, मैं तुम्हारी इफ और बट पसंद नहीं करता। ही डजेंट लाइक माई सेल्स एंड विल्स। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफ लगा के, एस लगा के उनको बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 45, इसमें कुछ कंपाउंड नाउन्स दिए गए हैं, यानी कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जो दो नाउन से मिलकर बने हो, जो दो एक साथ आते हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास, आर्म्ड फोर्सेज, ग्रास रूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल स्टडीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाई हिल्स। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों नाउन है, सेकंड जो नाउन है उनके साथ हमेशा एस का यूज किया है, तो इनको क्या माना जाता है? प्लूरल। इनका प्रयोग हमेशा किस में होता है? प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट है रूल नंबर 46, 46 में क्या बताया गया है कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के रूप में उनका यूज किया जा सकता है। कुछ नाउन का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, लेकिन जब हम उनको जब हम उन नाउन को काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो हम उनके साथ ए एन, ए फ्यू, मैनी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ए एन, ए फ्यू, मैनी, मैनी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी जब उन नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, तब हम इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, तब हम इनके साथ अ लिटल या मच का प्रयोग कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिन ऐसे नाउन जो एक निश्चित मात्रा को बताते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिसमें जो मात्रा क्वांटिटी है उसका निश्चित बोध नहीं होता। जैसे लेफ्ट साइड में फर्स्ट है ही हैड ए टॉक विद राजू, और राइट साइड में क्या है? ही हैड मच टॉक विद राजू। दोनों का मीनिंग क्या है? ही हैड ए टॉक विद राजू का मतलब है कि उसने राजू से एक बात की, और सेकंड में क्या है? उसने राजू के साथ कुछ बात की। तो यहाँ पे एक बात की यानी कि काउंटेबल नाउन है, ए का यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ बात की यानी एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में टॉक का यूज हुआ है, इसके साथ मच टॉक लगाएंगे। नेक्स्ट है आई एट ए केक, मैंने एक केक खाया, और राइट साइड में है ही डिड नॉट ईट मच केक, उसने ज्यादा केक नहीं खाया। तो लेफ्ट में केक का यूज हुआ है काउंटेबल नाउन के रूप में, इसलिए इसके साथ क्या लगाया? ए। राइट साइड में केक का यूज हुआ है कुछ सर्टेन मात्रा में यानी मच केक के रूप में, यानी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। वैसे मैनी फीलिंग्स अराइजेज इन ए मैंस हर्ट, और है ही डिड नॉट सो मच फीलिंग फॉर मी। तो मैनी लगा इसलिए फीलिंग्स का यूज हुआ है, और यहाँ पे मच फीलिंग का यूज हुआ है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में। इसी प्रकार से द ओल्ड मैन हैज गेन्ड मैनी एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और राइट साइड में सी हैज नॉट मच एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ।
तो दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। लेफ्ट साइड में मैनी का यूज यानी काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है यानी कि अनेक अनुभव, और राइट साइड में अधिक अनुभव मच एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है। मैन हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज इन लाइफ, और राइट साइड में आई गोट ऑफ विद मच डिफिकल्टीज, यानी जब मैनी लगा होगा तो वो काउंटेबल नाउन होगा और जब मच लगा होगा तो वो कौन सा होगा, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे नेक्स्ट है ही रीड्स ए पेपर एवरी डे, और राइट साइड में ही हैज वेस्टेड मच पेपर, तो मच पेपर के साथ मच लगा है ये अनकाउंटेबल नाउन है, या पेपर के साथ ए लगा है तो ये काउंटेबल नाउन है। तो दोनों का आप डिफरेंस समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नाउन एंड द नंबर के चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, और इस चैप्टर को एक बार फिर रिवाइज करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।